संभाला, आज उस कानून की छत्र छाया में आप और हम पुलिस स्वच्छंद हवा ले रहे हैं, श्वसन कर रहे हैं। इसलिए ऐसे जो व्यक्तित्व, हालांकि वक्ता बहुत सारे बैठे हैं, इनके बारे में जितना मैं कहूँ मैं समझता बहुत थोड़ा होगा, लेकिन आदरणीय सत्येंद्र जी ने जो बात कही ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो एक अधना सा, एक साधारण सा एक कार्यकर्ता हूँ, समाज की सेवा से जितना बन पड़े वो करता हूँ। और मैं आप सभी लोगों से भी ये संदेश देना चाहूंगा कि समाज सेवा जितनी बन पड़े आपसे, वो निस्वार्थ भाव से सेवा करते रहना। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि जो जाति और धर्म अपने स्वार्थ के लिए जहां काम में लेना लग जाए वो व्यक्ति व्यक्ति नहीं हो सकता। हम कहीं भी जाति और धर्म के लिए अपने स्वार्थ के लिए पूर्ति नहीं करें तो निश्चित तौर पे हम आगे बढ़ेंगे। हमारा ये स्वप्न होगा कि इनके जो अधूरे सपने हैं, इन्होंने जो हमें सिद्धांत दिए हैं, इन्होंने अपनी जो बातें बताई हैं, उन सभी को हम जीवन में उतारें तो निश्चित तौर पे एक दिन हम इस भारत के पटल पे एक बार पुनः सबसे उत्तम श्रेणी में काउंट होंगे। आज शानदार जो प्रभात फेरी का आयोजन जो किया गया बाबा साहेब की याद में, उनकी याद को चिरस्थायी बनाने करने के लिए जो कार्यक्रम रचा, उन आयोजकों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और जो बच्चों के द्वारा जो प्रस्तुति दी जा रही है, इसके लिए आपने पाठशाला के संचालक के आदरणीय पवन जी और बलवीर जी का हृदय से मैं हार्दिक आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हुए वाणी को विराम करूंगा। एक उद्घोष मेरे साथ करेंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे, महात्मा ज्योतिबा फुले। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गुरुदेव। अब एक बार और आपके समक्ष अपनी पाठशाला की छात्राएं अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम लेके आ रही हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ उन बालिकाओं का हौसला बढ़ाएं, जिससे कि वो आपके समक्ष इस अमिट याद में